श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी से पंजाबी पार्टी के बदल के अज आ जोड़ा सारिया का घोनिया मोनिया का जोड़ा साढ़े राज हो गया। जिहड़ियां स्टेजां दे उत्ते कदे पंथक ढाडी बारां गाउंदे सी अज्ज ओह स्टेजां दे उत्ते आ के जिहड़ा है गीत संगीत तुसीं देखदे हो वी कितें नकलीए लगे हुंदे आ कितें कुछ लग्या हुंदा। इह ओह पार्टी जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी विचारधारा लै के सरवाइव करदी सी। इहदा कोई सानी नहीं पंजाब दे विच। बेशक भगवंत सिंह मान नूं बहुत वड्डी गिणती दे विच बहुमत मिल गया, उह स्कूल बहुत चंगे बना सकदे आ, उह हस्पताल चंगे बना सकदे आ, पर धर्म की गल नहीं। सरदार भगवंत सिंह मान तो उसकी पार्टी ने कदे धर्म नहीं गल नहीं करनी। अकाली दल ना जी कहो जथेदार जी, ये तुसी बादल मरे ने, अकाली दल नू कख नहीं होया। अकाली दल तो ब्लू स्टार दे विच नहीं कख होया भी, जदों मरन का समा आया सी उदों प्रकाश सिंह बादल ने आपदे सिर खेह पवा ली। खेह तां पैगी भी ये गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते राजनीति करन लग गए। कोई इन्हां दे कोई राजे थोड़ा पार्टी दे, डेमोक्रेसी है। सो लोग हुण इन्हां नूं छड़ा के छड़नगे, इन्हां नूं भज जाणा चाहीदा। पंजाब दीआं चोणां च आम आदमी पार्टी की हुंजा फिर जित होई अते वड्डे वड्डे लीडरां की करारी हार हुई। उत्थे ही 25 साल राज करन दा दावा करन वाला अकाली दल सिर्फ 3 सीटां ते सिमट के रह गया। इस हार तो बाद हुण पार्टी के अंदर वड्डे पद्धर ते बगावत शुरू हो गई है। हुण बरनाला तो SGPC के मैंबर अते साबका अंतरिम कमेटी के मैंबर बलदेव सिंह झूंगा ने खुल के मोर्चा खोल दिता है। उन्होंने कहा कि जदों तक सुखबीर सिंह बादल पार्टी का प्रधान रहेगा उदों तक पार्टी उपर नहीं उठ सकेगी। अते कहा कि चोणां दे विच बादल हारे ने ते अकाली दल अज भी चढ़दी कला विच है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं तुहाडा सारयां दा धन्नवाद करदा जी, तुहाडी सारी प्रैस, तुसीं मेरी बेनती दे उत्ते इत्थे सारे तुसीं आए हो। जिहड़ा अज्ज इहे तुहानूं सारयां नूं कष्ट दित्ता उहदा मकसद इह है भी पंजाब दे विच हुणी असैंबली दीआं जिहड़ीआं चोणां हो के हटियां ने, उस असैंबली चोणां दे विच सरदार भगवंत सिंह जी मान है जिहड़ा उहनां दी पार्टी नूं आप पार्टी नूं बहुत वड्डे बहुमत दे नाल पंजाब दे लोकां ने उहनां नूं बड़ियां आसां दे उम्मीदां दे नाल जिहड़ी पंजाब दी सत्ता सौंपी है। मैं सरदार मान नूं जिथे वधाई दिंदा उत्थे उहनां नूं मैं बेनती भी करदा भी जिहड़ियां भावनावां दे नाल पंजाब दे लोकां ने तुहानूं पंजाब दा मुख मंत्री बनाया, बहुत वड्डी गिणती दे बहुत जिहड़ा तुहानूं बंफर सीटां दित्तियां ने, वो उन्हां लोकां दी जिहड़ी है आसां दे उत्ते खरे उतरनगे। इहदे लई सानूं समां कोई 6 महीने साल दा समां सानूं वेट करनी चाहीदी आ, देखणा चाहीदा भी पार्टी परफॉर्म किवें करदी है। ते दूसरा जी, मैं ते तुहानूं जिहड़ा कष्ट दित्ता उह इह है कि श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ा साडा, जिस दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने, उन्हां दा जिहड़ा इस वेले हालात ने वो पंजाब दे विच सारे पासयां दे उत्तों इको लोग गल कर रहे ने भी जद तक बादल परिवार श्रोमणी अकाली दल का खहड़ा नहीं छड़दा श्रोमणी अकाली दल सरवाइव नहीं कर सकता। और ये गल बिल्कुल सच है जी कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान दे विच गुण होने चाहिए आ उन्हां दे विच एक भी गुण नहीं है। डिक्टेट करना कोई गुण नहीं है भी वर्करां नूं नज़रअंदाज करदे तुरे फिरो, ते ना ही श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान वाली उन्हां ही दिख है। इस पार्टी दे प्रधान बाबा खड़क सिंह वर्गे रहे ने, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जिहड़े वो इस पार्टी दे प्रधान आ जिहड़े रहे ने। सरदार प्रकाश सिंह बादल भी रहे ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल तो अपना दाड़ा भी प्रकाश करना पसंद नहीं करता, उन्हूं भी ये लगता भी दाड़ा भी नहीं प्रकाश करया जांदा। जदों मोगे कानफ्रेंस इन्हां ने कीती है उत्थे जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी से इहनूं पंजाबी पार्टी दे विच बदल के अज आ जिहड़ा इहदे विच सारयां दा घोनिया मोनिया दा जिहड़ा साडे राज हो गया। जिहड़ियां स्टेजां दे उत्ते कदे पंथक ढाडी बारां गाउंदे सी अज ओह स्टेजां दे उत्ते आ के जिहड़ा है गीत संगीत तुसीं देखदे हो वी कितें नकलीए लगे हुंदे आ कितें कुछ लग्या हुंदा। वो जिहड़ा पंथक खासा सी उस असीं त्याग दित्ता, असीं जिहड़ा श्री आनंदपुर साहिब दा मता जिहदे वास्ते सानूं इन्नियां कुरबानियां देणियां पईआं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरश ते उहनां दे पार्टी दे नाल उहनां दे जिहड़े पैरोकार सी, किन्नियां शहीदियां सी जिहड़ियां उत्थे होईआं, वह जिहड़ियां जिहड़ी वह तां ही होईआं सी ना वी आनंदपुर साहिब दा मता जिहड़ा सी उत्थे मोर्चा लग्गिया होइआ सी उहनूं मते नूं लागू कराउण वास्ते। पर वह मोर्चा किधर चलिया गया? जदों असीं सत्ता 'च 10 साल रहे उदों असीं कुछ नहीं कीता, जदों असीं सत्ता जो बाहर हो जाते हैं उदों प्रधान साहब मोर्चे की गल करते हैं, उदों पंथ दीआं दुहाइयां पाउंदे ने सरसे वाले दे नाल जिहनूं पंजाब दे लोक कदे भी एक्सैप्ट नहीं कर सकते,
उन्होंने उत्ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंग अंग खिलार देने दे जिहड़े है इस वेले जिहड़े उन्होंने खड़ा रहे ने दोष नहीं खिला रहे ने उन्होंने नाल समझौते करना उन्होंने पोस्टर प्रोटैक्ट करना गुरसिखों के उत्ते गोलियां चलाउणियां गुरसिखों शहीद करना ये जिहड़ा पंजाब का काला अध्याय है झूठी मूठी पंजाब जाके आप ही माफ़ी मांग के आप ही अकाल तख्त ते पेश होकर अपने मंत्रियों संतरियों लैके सारयां उत्थे जुत्ते साफ करने ये कितों की किहड़ी किने उन्होंने सज़ा सुनाई सी इस तरह थोड़ो किया जा सकता तो गुरु रामदास महाराज का घर वड्डा है तो साड़ी भैन जी ने बीबा हरसिमरत कौर बादल कहिंदी है वह भी प्रकारा मदे खड़ के क्यों इन्होंने मैं ये महसूस करना भी जिहड़े तां लोग डरदे आ महाराज कोल जाके उच्चा नहीं बोलते ये बीबी ने की करया उत्थे गई जाके कहिंदी भी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी कराई है उन्हां दा कख ना रहे मैं फिर बादलों का कख रहा ही नहीं अकाली दल नूं तां हुण भी कख नहीं हो अकाली दल तो चढ़दी कला दे विच सी पंथक पार्टी है कुरबानियां दे उत्ते बनी हुई पार्टी इहदी नियां जिहड़ी उहदे विच शहीदां दा खून डुल्लिया होया ये वो पार्टी है जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की विचारधारा लैके सरवाइव करदी सी इहदा कोई सानी नहीं पंजाब दे विच बेशक भगवंत सिंह मान नूं बहुत वड्डी गिणती दे विच बहुमत मिल गया वह स्कूल बहुत चंगे बना सकते हैं वह हस्पताल चंगे बना सकते हैं पर धर्म की गल नहीं सरदार भगवंत सिंह मान तो उसकी पार्टी ने कदे धर्म नहीं गल नहीं करनी मैं उन्होंने कोई कंडेम नहीं करता पर धर्मक तौर के उत्ते तो श्रोमणी अकाली दल ही जिहड़ा लोगों को धर्म की गल कर सकता सी धर्म की गल करता रहेगा। दूसरा जी ये भी साडे मानयोग सिंह साहब ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब जी जिन्हां दी मैं बड़ी इज्जत करदा बतौर जथेदार भी बतौर वैसे ही मेरे निजी तालकात उन्होंने नाल ने उन्होंने भी परसों एक स्टेटमेंट दे दी है बई अकाली दल मर गया अकाली दल खत्म हो गया अकाली दल का खत्म होना हिंदुस्तान के लिए तो पंजाब के लिए बड़ा घातक है अकाली दल ना जी कहो जथेदार जी ये तुसीं बादल मरे ने अकाली दल नूं कख नहीं होया अकाली दल तो ब्लू स्टार के नहीं कख होया ये तो जो डांगा खांदे सी वी टी वर्गे जालम अफसर इन्हां ते बैंता मारदे सी ये उदों खत्म ना होए ये गंगसर जैतो दे विच नहीं खत्म होए ये उत्थे ननकाणा साहब खत्म नहीं हो ये कदों खत्म होया ये एमरजेंसी दे विच खत्म नहीं हो ये कदे खत्म नहीं हो सकते अकाली है जिहड़े खत्म होया तो बादल के खत्म होए आ उन्हां करके लोग इन्ने ज़्यादा दुखी हो गए भी उन्होंने सारयां नूं जिहड़ा सी अकाली दल दे सारे ही जिन्ने विधायक जिन्ने भी खड़े से उन्होंने लोगों ने सारे हरा दिते आ बादलों करके हराए आ साडे भी बड़ा चार साल काम किया बड़ा सरदार सतनाम सिंह राही ने चार साल निठ के सेवा की असी लोगों ने भी बड़ा काम किया परंतु लोग औखे बादलों तो सी वो साडे इन्हां नुमाइंदियां तो औखे नहीं सी उन्होंने कुलवंत कीतू तो औखे सी लोग औखे बादलों तो सी उन्होंने फिर बादलों ने जिहड़े उन्होंने नाल बंदे लगे से उन्होंने सारयां जिहड़ा साडा सूफड़ा इत्थों साफ कर दिता आई सी यू च बादल के गए आ ना कि अकाली दल गया। सो मैं सिंह साहब नूं बेनती करदा भी ऐसी स्टेटमेंट धार्मिक अहुदे ते बैठी हो जे स्टेटमेंट देनी है तुहानूं ये देनी बनदी सी तुसीं बादलों नूं कहिंदे तुसीं अकाली फूला सिंह बनदे तुसीं महाराजा रणजीत सिंह नूं जिवें उहने सज़ा सुनाई तुसीं कहिंदे भी सरदार जी हुण छड्ड के पासे होवो तुहाडा समां नहीं हैगा हुण तुसीं कृपा करके इहनूं छड्ड के पासे होवो। सो सिंह साहब दे उस बयान नूं मैं बड़ा दुख दे नाल उहनूं रद्द करदा उहनां नूं नहीं कहना चाहीदा सी उह तां वधिया गल कहण उह गल कहण जिहदे नाल धर्म दा प्रसार होवे वो गल कह जो मर्यादा दे विच होवे उन्हां दी लोक इज्जत करन अज सारे लोग जो असी देखते हैं तो थू थू करते हैं बड़ा आप नूं महसूस हुंदा भी कौम श्री अकाल तख्त साहब तो जो बागी होगी जिहड़ा सिखां दी सरमौर स्थान है तो कौम का बनेगा की पर इहदे च कौम का कसूर नहीं जिहड़े उत्थे बैठण वाले सज्जन ने उन्हां दा कसूर उहनूं ज्ञानी गुरबचन सिंह वर्गे उत्थे अकाल तख्त साहब दे जथेदार रह के गए ने की फायदा होया उन्होंने झूठे मूठिया माफिया उदों देण दीआं गल्लां कीतीआं पंथ की बदनामी हुई इन्हां गल्लां दे विच इन्हां गल्लां बिना सर सकदा सी पर इह जिहड़ी पंजाबी पार्टी बनाई है ना जी उहदा करके खत्म हो गया। पंथ की दिख बहाल होनी चाहीदी है नीतियां जिहड़ियां पंथ प्रस्त होनियां चाहीदियां अज असीं फैडरल ढांचे दीआं गल्लां कित्थे करदे आं आनंदपुर साहब दा मता कित्थे गया किन्नियां किन्नियां गल्लां ने जिहड़ियां धार्मिक तौर दे उत्ते असीं बड़े लॉस दे विच जा रहे हां। सो मेरी बेनती है जी बई जथेदार साहब भी ऐसा बयान देने तो पहला 100 बार सोचण तो सरदार सुखबीर सिंह बादल अज कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है कोई बोल ही नहीं रहा पता नहीं की हो गया मैनूं तां ऐ समझ नहीं आउंदी भी साडी जमीर इन्नी क्यों रद्दी होगी असी कोई मैं कहड़ा कोई अकाली दल छड़ रहा मैं अकाली अकाली दल दे विच रहूँगा पर असी गल तां कर सकदे आ ना ये तो बहुत वड्डे लोग आ जिहड़े अकाली दल दे विच बैठे ने सारे कोर कमेटी सारे सीनियर लीडर जांदे ने उहदे च पर अज उत्थे की ड्रामा करनगे सुखबीर सिंह बादल कहूँ मैं इस्तीफा दिना आ लो मेरा इस्तीफा वह कहेंगे ना जी थोड़े बिना नहीं काम चलना तुसीं इस्तीफा रखो क्योंकि असीं बंदे नूं पहले ही प्रिपेयर करके लैके जाना भी मैं इस्तीफा दूँ तुसीं बस हो करो। बादल साहब ने की कराया बुढ़े बारे जिहड़ा बंदा 5 बार मुख्यमंत्री बनया मैनूं लगता भी वह सुखबीर सिंह बादल ने कहा भी चल बापू
चल के ना इलैक्शन लड़। वो इलैक्शन लड़ाई मरन वेले खेह करा के धर दी, उन्होंने इलैक्शन लड़नी नहीं चाहिए ज इन्हों लड़ा नहीं चाहिए। एक बुढ़ा बजुर्ग जी ना वह मान तान तो रह जाता, वो मान तान भी जाता जाता हूँ इतिहास से लिखा जाऊगा भी जो मरण का समा आया से उदों प्रकाश सिंह बादल ने आपके सिर खेह पवा ली। खेह तां पैगी भी यह गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते राजनीति कर लग गए। 15 दे भी यार की होया उत्थे गुरु ग्रंथ साहब के अंग पाठ के सिटते, पंथ सरकार है अगलिया ने लिख के चेतावनी दे के असी सिटे आ गए, कुछ नहीं करिया। वह फलाने ने आए कहता CBI तो कराओ, फलाने ने आए करता झूठिया मूठिया असी गल्लां करदे आ। सरसे वाले साध दे असी पोस्टां नूं प्रोटेक्ट किया, सिक्खां दे उत्ते असी गोलियां चलाईयां, भालदे आ असी इन्हां तों वोटां, ये नहीं वोटां पाउंदे इस तरह। सो पार्टी नूं सरवाइव करन वास्ते मेरी तुहाडे सारयां राहीं बेनती है सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं कि पंथ दे भले लई आप ही लिखिया पढ़ लै, छड़नी तां हुण तैनूं पऊ नहीं, लोग तैनूं छड़ा देणगे। आ मूहरी इलैक्शन आ जूगी 6 महीनों में, इतने हिंद अपना संगरूर दी आनी है, उदों देख ली भी हाल की हुंदा जे लोगों ने जवंत जब्त ना कराती अकाली दल के MP दे, तुसीं मैनूं कहो। वो लोगों को समा मिल गया पंजाब दे विच जिन्हां तों कदे कोई उम्मीद ही नहीं सी करदा। पंथक पार्टियां इह खेतरी पार्टी सी, इहदा जिउंदा रहना बहुत जरूरी है पंजाब दे भले लई, पंथ दे भले लई। श्रोमणी अकाली दल जिउंदा है, जिउंदा रहेगा। सो जे नहीं जिउंदे तां जे मरे ने तां बादल के मरे ने, जे उहनां दा खात्मा तां बादल का होया, जिहड़े कहिंदे सी वी असीं खत्म हो जाईए जगह जगह कहिंदे फिरदे सी, उह महाराज ने उहनां दी बेनती आ सुण ली आ। सो मेरी बेनती है भी अज्ज उह कोर कमेटी दे विच अस्तीफा देण ते पंथ दा खेड़ा छड्डण, पंथ नूं लोकां नूं जिहड़े है अकाली ने जिहड़े बहुत अच्छे लोग ने जिहड़े कम कर सकदे ने पार्टी वास्ते, पार्टी फिर जरूर सरवाइव करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। नहीं जी उदों जी बिल्कुल गल ठीक कह रहे हो, थोड़ा सवाल ठीक है। ये गल ना मैं सच कहना थानूं भी मैं अंदर बहुत कहता रहा, बहुत गल्लां जिहड़ियां सी जिहड़ियां असीं कहिंदे सी अंदर, पर एक गल है भी जे मैं उस समय कल्ला बोलदा सी उस समय कल्ले दी कोई गल नहीं सी बणदी। बहुत लोग कहिंदे भी इह बंदा वाई जात गल्लां करदा, असीं गल्लां हमेशा मैं कहियां, मैं कदे भी पंथ तों बाहरी गल नहीं करी, मैं उह गल्लां करदा सी बैठ के उत्थे भी जिहड़ियां हुण बहुत गल्लां ने। एक नहीं गल 328 रूपां वाली गल मैं पिछली बार नाल सीगा इहनां दे, मैं हुण भी कहिंदा रहिणा गा। सरदार हरजिंदर सिंह धामी बड़े बहुत शरीफ और ईमानदार प्रधान ने जिहड़े साडे श्रोमणी कमेटी दे प्रधान ने, पर मैनू लगता भी इधरों तारा जो ढिलियां हुण फिर ही कोई कुछ होवे ना ठीक हो कर सकन, असीं हमेशा कहिंदे रहे हां। पर 170 जिस पार्टी के मैंबर होणगे तुसीं मेरे वर्गा जो उत्थे एक बंदा बोलदा उत्थे कोई साढ़े साथी जकारे छड छड के साडी आवाज़ नूं रोड़ दिंदे सी, जिहड़े मेरे नाल दे बैठे आ उही कहिंदे सी वी छड परे। इस वास्ते ना इह मैं उठाउंदा रहा आवाज़, तुहाडी गल बिल्कुल सच्ची है, उत्थे जिहड़ी उदों आवाज़ किसी जांदी नहीं सी, अज दी जिहड़ी आवाज़ आ इह जाऊ। अज भी बलदेव सिंह चूंघा ही गल्लां बोल रहा, टौड़ा साहब दा दोता बोलिया, वो यूथ अकाली दा होया। मैं पिंड दा 2 बार सरपंच रहा जी, 3 बार मैं ब्लाक समिति मैंबर रहा जदों कैप्टन साहब की सरकार सी उदों बनिया सी, 2 बार मैं श्रोमणी कमेटी का मैंबर हाँ, सैकंड टर्म मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी रहा, मैं जनरल कौंसल का अकाली दल का मैंबर रहा, ठीक है ना जी। अज भी मैं ही गल्लां जे बोल रहा, कोई नहीं बोलिया, पर अंदरों अंदर ही सारे तैयार है। जदों मैं किसी भी अकाली दल दे नाल इह गल करदा तो कहिंदे ने भी भी गल ठीक है, यह सुखबीर डिकटेट कर रहा, डिकटेटरशिप है जी। कौन है तुम नाल देख लो बठिंडा जिले जितों की बीबी हरसिमरत कौर बादल है, उत्थे MLA थले बैठे होंगे, पंचायत वाले खड़े होंगे, किसी कोई गल सुना है, कोई पार्टी कोई इन्हें कोई राजे थोड़ा पार्टी दे, डेमोक्रेसी है। सो लोग हुण इन्हों छड़ा के छड़नगे, इन्हों भज जाना चाहिए। दस दिए कि इन्होंने चोणों च आम आदमी पार्टी ने 92 सीटा जित के इतिहासक जित दर्ज की, अकाली दल की हुई हार कारण पार्टी के अंदर कई लीडर ने बादल परिवार के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद कर दिता है। बरनाला तो प्रवीण ऋषि की रिपोर्ट। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।